नमस्कार, आप देख रहे हैं आप मन की बात और आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। एक बार फिर राम नाम की गूंज छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारों में सुनाई दे रही है। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चंदखुरी स्थित राम वन गमन पर्यटन परिपथ और कौशल्या माता के मंदिर का जीर्णोद्धार किया। इस दौरान भूपेश बघेल ने पूर्व की रमन सरकार पर निशाना साधा। उनका कहना था कि 15 साल तक बीजेपी ने केवल राम के नाम पर राजनीति की, लेकिन राम के ननिहाल के लिए कुछ नहीं किया। तो दूसरी ओर बीजेपी ने भूपेश सरकार पर राम के नाम पर वाहवाही लूटने के आरोप लगाया। किसके राम? आज चर्चा इसी मुद्दे पर, पहले देखिए ये रिपोर्ट। एक बार फिर राम के नाम पर छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारों में गूंज सुनाई दे रही है। दरअसल गुरुवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चंदखुर स्थित राम वन गमन पर्यटन परिपथ और कौशल्या माता के मंदिर का जीर्णोद्धार किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान बताया, अलग अलग जाति और अलग अलग संस्कृति को बढ़ावा देने हमारी सरकार काम कर रही है। छत्तीसगढ़ चार देवियों का गढ़ है और इसे भगवान राम का ननिहाल भी कहा जाता है। भगवान राम ने 14 साल के वनवास में सबसे अधिक समय छत्तीसगढ़ में ही गुजारा। हालांकि उन्होंने इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के शासनकाल पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने माता कौशल्या के मंदिर के लिए कुछ नहीं किया। 15 साल में केवल और केवल राम के नाम पर बीजेपी ने राजनीति ही की। हमने संत कबीर, तुलसी, शबरी और कौशल्या के राम को वनवासी के रूप में देखा है, लेकिन कुछ लोग उन्हें वोट के राम के रूप में देखते हैं। विश्व में एकमात्र माता कौशल्या के मंदिर चंदखुरी परिसर का है, जहाँ जीर्णोद्धार किया गया, बहुत सुंदर उसे विकसित किया गया है, जिसकी शुरुआत आज होनी है। भगवान राम का जब वनवास हुआ तो 14 साल में अधिकांश समय हमारे छत्तीसगढ़ में गुजारे। जनश्रुतियां भी है, 70 स्थान उसमें चिन्हित भी किया गया है, जिसमें से 9 स्थान इसका हमने विकसित करने का फैसला किया, जिसमें सबसे पहले मूर्ति तो पहले से बनी हुई थी, मंदिर भी था, उसके जीर्णोद्धार किया गया, जो तालाब है उसे बहुत सुंदर विकसित भी किया गया। माता कौशल्या, क्योंकि दक्षिण कौशल है, माता कौशल्या के मायके है, इसलिए राम को छत्तीसगढ़ के लोग भांचा के रूप में देखते हैं। कोई कुछ लोग हैं वोट दिलाने वाले राम के रूप में देखते हैं, तो उनका राम वोट दिलाने वाला राम है। हम लोग उस परंपरा के हैं कि जिसमें महात्मा गांधी के राम, जो मरते समय भी है राम करके अपने प्राण त्यागे, तो राम तो सर्वव्यापी है। अब देखने वाले जिस रूप में देखें, लेकिन 15 साल सत्ता में रहते हुए भी राम के नाम से सत्ता तो पा ली, लेकिन माता कौशल्या के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। मेरे और तेरे राम के बयानों के बीच अगर बीजेपी की बात करें तो पूर्व मंत्री और विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने सीएम के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, इनके मुंह में राम और बगल में छुरी है। प्रभु राम के रथ के ऊपर भगवा ध्वज होता था और भगवा ध्वज का आज अपमान हो रहा है। अपमान करने वालों को रबड़ी, खीर और मलाई खिलाई जा रही है और अपमान करने का जो विरोध कर रहे हैं उन्हें जेलों में ठूसा जा रहा है। देखिए, मुंह में राम, बगल में छुरी, प्रभु राम के रथ के ऊपर में भगवा ध्वज होता था और भगवा ध्वज का अपमान हो रहा है, तो अपमान करने वालों को रबड़ी और खीर और मलाई खिलाई जा रही है और अपमान करने का जो विरोध कर रहे हैं उनको जेलों में ठूसा जा रहा है, तो ये राम भक्त नहीं है, ये वोट भक्त है। ऐसे में बड़ा सवाल आखिर यही, तेरे राम मेरे राम, लेकिन हकीकत में किसके राम? और क्या वाकई में प्रदेश में राम के नाम पर सियासत चालू है? ब्यूरो रिपोर्ट, DNN। चलिए, तो दो खास मेहमान हैं, उनके जरिए हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। परिचय करवाते, हमारे साथ में नितिन भंसाली जी हैं, कांग्रेस की ओर से प्रवक्ता। नितिन जी, आपका स्वागत है। अशोक बजाज जी हमारे साथ में बीजेपी की ओर से, आपका बहुत स्वागत है। अशोक जी, पहला कमेंट नितिन जी आपसे ही, क्या सॉफ्ट हिंदुत्व
उसकी चिंता है कांग्रेस को, या जो छवि थी अब तक तुष्टीकरण की उसको बदलने की कोशिश है? हालांकि बीजेपी के राम पर तो आपने आज भी कटाक्ष किया सीएम भूपेश बघेल जी ने, फिर आपके राम और उनके राम कैसे अलग हो सकते हैं? वो भी तो अयोध्या में राम मंदिर की बात करते आए, तो दोनों राम कैसे अलग अलग हो सकते हैं? फर्क है इन्हें चुनाव वक्त भगवान श्री राम याद आते हैं, और हमारे हर समय में हम इससे जैसे ढोलनी पीटते, वोट के लिए श्री राम का उपयोग नहीं करते। अभी मैं आदरणीय ब्रिजभूषण अग्रवाल जी के शब्द सुन रहा था कि मुंह में राम बदल पूरी, तो मैं बता दूं कि मुंह में राम और दिल और दिमाग में नाथू राम, ये इन लोगों के उपयोग है। हम तो देखिए महात्मा गांधी जी के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं, महात्मा गांधी जी के भी जब प्राण निकले और जब नाथूराम गोडसे जो कि इनके नेता है सर्वमान्य, जो कि आज तक कभी इन्होंने मुर्दाबाद नहीं बोली, जो कि राष्ट्रपिता के हत्यारे हैं, उनके भी अंतिम शब्द थे जब उनके उनके प्राण निकले शरीर से, जब हे राम। तो छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की भूमि है, माता कौशल्या का मायका है, यहाँ पर भांजे हैं भगवान श्री राम को, छत्तीसगढ़ की जनता जो है छत्तीसगढ़ के लोग भांजा मानते हैं। तो 15 वर्ष तक के शासन में रहे, 15 वर्ष तक के इनको माता कौशल्या की जो जन्म स्थल है, जो उनका मायका है, उसके विषय में इनको कभी कुछ याद किया? यहाँ भगवान राम के नाम पर जैसा आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वोट लेने का काम जरूर किया, सत्ता जरूर भाई, तो सत्ता पाने के बाद श्री राम को भूल जाते हैं। भगवान श्री राम को कण कण में विराज है भाई, ये कोई ट्रैक पार्क नहीं है कि भगवान श्री राम इनके ही है, भगवान श्री राम सब जगह है। और इसके लिए आडंबर धोर या राजनीति करना मुझे लगता है उचित नहीं है। वनवास का जैसे कि मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ में 14 वर्ष के भगवान श्री राम के वनवास का अधिकांश समय छत्तीसगढ़ में बीता है, उन स्थानों को चिन्हित किया गया, लगभग 75 ऐसे स्थान है जहाँ पर स्मृतियां और भगवान श्री राम का प्रतिचित्र मिले हैं, जिसमें 9 स्थलों को विकसित किया जा रहा है। और आज 9 स्थलों के तहत जो है, पहले सबसे पहले चंद्रपुर में माता कौशल्या जी की जन्मभूमि की शुरुआत की गई, मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया, और पर्यटन के क्षेत्र में भी देखिएगा ये बहुत देश और विदेश के पटल में से छत्तीसगढ़ में इस मंदिर का और इस राम वन गमन पथ विषय में सकारात्मक चर्चा है। चल ये अशोक जी, एक कमेंट आपसे, आप कह रहे हैं इनके मुंह में बगल में छुरी, मुंह में राम बगल में छुरी, वो कह रहे हैं आपके मुंह में नाथूराम, तो ये राम राम में जो डिफरेंस हो रहा है, एक तो क्या मजबूरी के राम हो गए हैं कि मानना सबको है, सब अपने अपने तरीके से, ये जो कर रही है भूपेश सरकार ने जो किया, कौशल्या माता का मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है या राम वन गमन पथ को डेवलप किया जा रहा है, तो क्या ये अच्छी बात नहीं है भाई? वो तो आप जो चाहते थे वही उसी ट्रैक पर ये लोग चल रहे हैं, थोड़ा सा वो डिफरेंस ले रहे हैं कि भाई अयोध्या वाले राम अलग है और हमारे छत्तीसगढ़ वाले राम अलग हैं। अशोक जी क्या कहना चाहेंगे? राम वन गमन मार्ग को सरकार चिन्हित करके डेवलप करे, पर्यटन स्थल बनाए, इसमें हमारा कोई आपत्ति नहीं, हमने कहा आपत्ति की है। भारतीय जनता पार्टी जो है ये मानती है कि राम सबके है, राम है तो राष्ट्र है, ये मानने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। और ये कांग्रेस वालों को तो राम के नाम लेने का नैतिक अधिकार ही नहीं है, ये तो धर्म निरपेक्षता का बाना ओढ़े हुए है। इन्होंने सितंबर 2007 में, इनकी सरकार थी केंद्र में, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है जो आज भी सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में है, जिसमें इन्होंने लिखा कि रामायण काल्पनिक है, सीता का हरण हुआ नहीं, राम अयोध्या गए नहीं, राम रावण युद्ध हुआ नहीं, राम ने सेतु बनाया ही नहीं, ये राम को काल्पनिक मानने वाले और रामायण को एक मनोरंजक ग्रंथ कहने वाले, काव्य मनोरंजक काव्य कहने वाले लोग आज जिस तरह से बात कर रहे हैं, ये हास्यास्पद क्या है? और ये जो परिवर्तन आया है, इसमें भारतीय जनता पार्टी की ताकत है कि राम को राष्ट्र की ताकत के रूप में हमने जब लोगों के सामने प्रस्तुत किया, तब आज कांग्रेस जो है राम का नाम लेने के लिए मजबूर हो रही है। और इसीलिए हम कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। अब ये जाके जो भाषा याद हो रहे ना, ये सोनिया जी के सामने बोले, जिसके बारे में प्रणव दा ने अपनी किताब में लिखा था कि ये किस तरह से ये सोनिया गांधी जी अपने किताब में उन्होंने लिखा है, किताब का नाम था कोयल लिटल ईयर्स है, जिसमें उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ किस प्रकार से
वहाँ षड्यंत्र होते हैं इनकी पार्टी के अंदर, इसका उन्होंने उल्लेख किया। मैं इसमें विस्तार से नहीं जाऊंगा, मैं कुछ ज्यादा मैं इस प्रकार की बहस में पढ़ना नहीं चाहता। लेकिन कांग्रेस अगर आज राम बोल रही है, इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को जाता है। जहां तक राम वन गमन शोध संस्थान की बात है, तो मैं भी उससे जुड़ा हुआ हूँ। और डॉक्टर मन्नू लाल यदू, हमारे भाई श्याम बैस जी, हेमू यदू जी, सबने मिलकर 10 साल तक राम वन गमन शोध संस्थान के माध्यम से अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक यात्रा करके इसको चिन्हित किया है। यहाँ छत्तीसगढ़ में कोरिया जिले के सीतामढ़ी हरपौड़ा हरचौकी से उन्होंने प्रवेश किया, कोंटा तक गए और 10-12 साल तक उन्होंने छत्तीसगढ़ में गुजारे हैं। तो ये जो चिन्हित किया है भारतीय जनता पार्टी शासन काल में चिन्हित हुआ है। माननीय बिजमोहन अग्रवाल जी हमारे पर्यटन और संस्कृति मंत्री थे, हमारे माननीय सांसद रमेश बैस जी का गांव है चंदपुरी, हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी ने बार बार इस बात का उल्लेख किया कि इनके 2003 के पहले कितने लोग जानते थे कि चंदपुरी जो है कौशल्या जी माता का जन्म स्थान है, कितने लोग जानते थे? कांग्रेस वाले बता देना, कोई नहीं जानता था। हमारी सरकार आई, इसको एक इस रूप में प्रचारित किया गया और जनता के सामने प्रस्तुत किया गया और आज सारी दुनिया मान रही है कि चंदपुरी माता कौशल्या का जन्म स्थान है। वहां पर जीर्णोद्धार हुआ, वहां सामुदायिक भवन बनाए गए, वहां पर ज्योति कक्ष बनाया गया, जो भी साधन हो सकता था उस समय माननीय बैस जी ने, डॉक्टर रमन सिंह जी ने, बिजमोहन जी ने और सब वहां के हमारे स्थानीय सब लोगों ने किया। लेकिन राम वन गमन को मार्ग को चिन्हित करने का काम भारतीय जनता पार्टी शासन काल में हुआ है और इस काम में 10 साल इस शोध संस्थान के सदस्यों ने पसीना बहाया है। एक एक जगह गए, जन श्रुतियों का उन्होंने अध्ययन किया, सब लोगों से मिले और पुरानिक जो हमारे धार्मिक मान्यताएं जगह है उनका उन्होंने अध्ययन किया, तब जाके ये निकला है। अब इसको अगर बना रहे हैं, चिन्हित करके अगर विकसित कर रहे हैं तो अच्छी बात है, करें, हमको स्वागत। लेकिन श्रेय उसका बीजेपी को देना चाहिए नितिन जी आपको, उन्होंने सब विस्तार बताया, तथ्यों के साथ बताया कि भाई देखिए हमने कितनी मेहनत की, एक तो ये बात और दूसरा इतिहास तो देखिए आप लोगों का जो है तो सबके सामने है कि राम सेतु को किसने कहा था कि ये कुछ नहीं है, पुल भर है। सुप्रीम कोर्ट में कौन हलफनामा देकर आया था कि राम काल्पनिक हैं। आपकी पार्टी के तो कई नेता आज भी कहते हैं कि राम महाकाव्य के पुरुष से ज्यादा कुछ नहीं है और भी तमाम बातें। तो ये जब आपकी पूरी पार्टी में एक राय नहीं रही कभी, तो क्या इन पुरानी चीजों को ढांकने के लिए नए सिरे से छत्तीसगढ़ में जो भूपेश सरकार है वो ये सब कवायद कर रही है कि देखिए हम भी राम भक्त हैं, मजबूरी में तो कहीं आपको राम का नाम नहीं लेना पड़ रहा है, क्योंकि अशोक जी कह रहे हैं कि भाई अगर आज आप राम राम रट रहे हैं तो उसका श्रेय मोदी जी को जाता है। जी महंगाई बढ़ाने का, सुरक्षा का, जीएसटी का, घोषित लॉकडाउन का बहुत सारा श्रेय जाता है। सही बोला है उन्होंने, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो ही गैस सिलेंडर के दाम 1000 से ऊपर मुमकिन है, मोदी है तभी पेट्रोल और डीजल शतक पार कर चुके, ये मोदी ही कर सकते हैं, मोदी ने ही किया है। हाथ जोड़ते भाई, बहुत ही महंगाई की बात बंद करो, मोदी सरकार इसको चली रहा है। अभी इतनी रिसर्च की इन्होंने, इतना बताया कि हम लोगों ने ये किया, वहां से वहां तक के पूरा हमने देखा, कोरिया से उस अपना बस्तर तक के हमने देखे, वहां से स्मृतियां मिली, पश्चिम मिला। तो इन्होंने रिसर्च तो किया, पर रिसर्च करके जो रिसर्च पेपर सबमिट करने होते पीएचडी में वो शायद करना भूल गए। और इन्होंने सिर्फ वोट के खातिर ही, देखिए अभी भी अयोध्या में जो मंदिर बन रहा है इसका सीन में बता